स्वागत है आपका इंडियन फूड भीतूसा में। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमने 1 कप साबूदाने को 2 घंटे पानी में भिगोकर पानी छानकर सुखा लिया है। चीनी 1 कप स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। दूध 250 ml गर्म किया हुआ, देसी घी 1 बड़ा चम्मच, 3 इलायची कुटी हुई, 5 बादाम कटे हुए, 5 काजू कटे हुए, नारियल 1 टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साबूदाने की खीर। गैस ऑन करके कढ़ाही गर्म कर लिया है। इसमें हम साबूदाने डालेंगे। साबूदाने हमने छोटे दाने के लिए हैं। चीनी और देसी घी, इन सबको हम मिक्स करेंगे। देसी घी डालने से हमारे साबूदाने आपस में चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। साथ में हम 1 कप पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे। ढककर हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। साबूदाने को हम चेक करेंगे। साबूदाने हमारे पक चुके हैं। पक जाने के पर ये पारदर्शी हो जाएंगे। इसमें हम कटे हुए बादाम, नारियल पाउडर, काजू और इलायची पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। गैस ऑफ कर देंगे और गर्म किया हुआ दूध हम इसमें डालकर मिक्स करेंगे। धीरे धीरे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खीर हमारा तैयार हो गया है। इसे ठंडा होने पर सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।